नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, अनेक बार आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी है और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपने नए नए विचारों को आपके साथ मेल मिलाप के साथ में आगे बढ़ाऊँ। सबसे सही बात यह होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों गुरु ज्ञान। आपके कहने से और आपके मानने से जो भी कार्य संपन्न होता है वो परमात्मा की लीला है, वो परमात्मा का आपके ऊपर अनुकंपा है। आप तहे दिल से उस कार्य को करते हैं तो सफलता आपके चरण चूमती है। यदा कदा हमारे मन में कई बार विचार आता है कि वो अदृश्य शक्ति है कौन जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। किसी ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया कि आचार्य जी, भगवान दिखाई देता है? तो मैंने उनसे कहा कि जिस प्रकार से एक गुलाब के पौधे के अंदर खुशबू छुपी होती है, गुलाब के फूल के अंदर खुशबू छुपी होती है, अदृश्य होती है, उसी प्रकार से परमात्मा सब प्राणी मात्र के अंदर समासिरत है। सब में उसका कोई ना कोई अंश है और हम सभी उसी के अंश स्वरूप हैं। विलीन होते हैं तो उसी में मिल जाते हैं, असुविधा दुविधा जो रहती है वह हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मित्रों, आपको सही दिशा में बताएं, परमात्मा वो देता है जो आपके लिए अच्छा है, परमात्मा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। कई बार मन व्यथित हो जाता है, भगवान कहता है इसी दुख के अंदर ही आनंद है, छुपा है। जैसे दूध के अंदर दही छुपी है, दही के अंदर मक्खन छुपा है, मक्खन के अंदर घी छुपा है, उसी प्रकार से जीव जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा छुपा है। उसे सजग करना पड़ता है और सजग करने के लिए हमें क्रियान्वित होना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जैसा संग करोगे वैसा रंग आपके जीवन में घुलता चला जाएगा। आइए इन नए विचारों के साथ में नए सप्ताह में हम प्रवेश करें। 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक अब धीरे धीरे वातावरण भी खुल रहा है और तुलसी विवाह यानी देव उठनी एकादशी भी आ गई। उसी के साथ में हमारे कार्य जो हैं, नए निर्माण के कार्य, नए विवाह इत्यादि के कार्य, मकान के मुहूर्त के कार्य ये शुरू हो जाते हैं। इन आंचलों में परमात्मा जैसे ही हरि शयनी एकादशी होती, हरि उठनी देव उठनी एकादशी होती है, कहते हैं परमात्मा नारायण जो अपनी योग निद्रा से निकल करके संसार में फिर व्याप्त होते हैं तो हमारे शरीर कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसी हरि देव उठनी एकादशी के बाद कार्य संपन्न होते चले जाते हैं। विवाह इत्यादि के कार्य आपके परिवार में भी चल रहे होंगे, किसी भाई बहन भतीजे का किसी न किसी का विवाह चल रहा होगा और आप सभी अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे होंगे। तो आइए मेष राशि वालों के साथ में चलते हैं। ये सप्ताह उनके लिए उमंग भरा हुआ है, आनंद के साथ प्रफुल्लित होकर के अपने कार्य को करेंगे, लाभ मिलेगा, प्रसन्न चित रहेंगे। वृष राशि वालों के लिए ये समय उनके अनुकूल चल रहा है, उन्नति रहेगी, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी समस्या आती है, वाहन इत्यादि को अधिक कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना चाहिए कार्य को। ऐसे ही वाहन में भी अधिक कॉन्फिडेंस मत दिखाइए कि मुझे तो बहुत अच्छी तरह हैंडल करना आता है, सचेत रहना पड़ेगा आपको, असुविधा हो सकती है। ये सब असुविधा से बचने के लिए भगवान शंकर जी का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शंकर जी की आराधना के द्वारा संकटों का निवारण होगा। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन धान्य यशमान की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए कार्य बनने की संभावना होती है, मन चित्त प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा समय चल रहा है, धन धान्य की वृद्धि होगी, यात्रा के योग बनते हैं, कहीं
परिवर्तन के भी योग बनते हैं। अगर नौकरी इत्यादि में है तो आपको हो सकता है स्थान परिवर्तन करना पड़ जाए। तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, लाभकारी है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल शुभदायक है, मांगलिक कार्य बनने हैं, लाभकारी है, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, यशमान में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, उन्नति कारक है, वृद्धि कारक है, सुख सचेत होकर के लाभ की प्रफुल्लता बनी रहती है। वृश्चिक के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के साथ में चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए तो समय बता दिया बहुत अच्छा है, लाभकारी है, यशमान में वृद्धि होगी उनकी। ऐसे ही मकर राशि वालों के लिए भी समय उनके इच्छा अनुसार चल रहा है, कार्य में सफलता प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, शरीर के लिए सर्व बाधा प्रश्नम त्रैलोकिकलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मश्मत बैरी विनाशनम, इस मंत्र का ध्यान करें। यह रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामा हर्षतां प्रयान्ति। ओम नमः पार्वते नमो नमः, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हो, माँ भगवती आपके रोगों का निवारण करेगी। कुंभ के बाद चलते हैं मीन राशि वालों के साथ में। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेंगी और शुभ समाचार से आप आंदोलित होंगे, आनंदित होंगे, प्रखर बना रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथियों ये तो था 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक का समय, और इन समय के अंतर्गत वातावरण भी परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा अपने विचारों को भी इस भाव में लगाइए जिससे ऐश्वर्य प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, मन आत्मिक रूप से शुद्ध हो। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आ रही है कोशिश कीजिए आपके नज़दीक कोई असहाय हो या कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति हो जिसे आपके सहयोग की आवश्यकता हो तो उसे जरूर सहयोग दीजिए। पीछे मेरे पास एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा फ़ोन आया कि आचार्य जी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिसके द्वारा मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूँ। मैंने कहा मित्र सबसे पहले तो सोच ही आपकी सार्थक है, बहुत उत्तम बात आपने पूछी है। दूसरा यदि करना चाहते हो तो किसी अस्पताल के आगे आप थोड़ा सा अन्न का दान करें, भंडारा इत्यादि लगाएं, और जितना हो सके तो उस मित्र ने आप मानोगे नहीं बहुत सुंदर सी संस्था उन्होंने बनाई है। उस संस्था में एक नहीं अनेक मित्र मिलते चले गए और आज सिविल अस्पताल के आगे उन्होंने एक छोटा सा ढाबा रूपक बनाया हुआ है जिसमें 5 रुपए एक थाली के हिसाब से वो अन्न दान करते रहते हैं। मित्रों ऐसे छोटे छोटे शुभदायक सामाजिक कार्य यदि आप करते चले जाओ तो आपको ऐश्वर्य भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, हर प्रकार से परमात्मा सदैव आपके सुख में सदैव प्रसन्नता भाव में आपको उन्नत करता रहेगा। और जब इस लोक से जाओगे मित्रों तो आपकी ये यादें सदैव बनी रहेगी, किसी के द्वारा लगाया हुआ पौधा या भले उस पौधे का फल कोई और खाए लेकिन जब खाएगा तो कहीं ना कहीं आत्म रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।